देखिए ये छोटी सी बच्चों की कार है जो एक किट से बनी है, पर अब अगर आप चाहें तो इसे कुछ सामान को जुगाड़ करके खुद बना सकते हैं। तो ये है कार और इसके अंजर पंजर ये इसकी किट है। सबसे पहले हमको इस लकड़ी के बेस के ऊपर एक 9 वोल्ट की बैटरी लगी है, एक ऑन ऑफ का स्विच है और एक मोटर है पुली के साथ। ये इसकी अंडर साइड है बेस की। यहाँ पर हम छोटे छोटे छेद देख सकते हैं, स्लिट्स देख सकते हैं जिनमें चक्के या पहिए फिट होंगे। देखिए सबसे पहले हम स्विच को ऑन करते हैं, उससे मोटर और चलने लगता है और पुली बहुत तेज़ी से घूमने लगती है। आप पुली को छू सकते हैं और जब आप स्विच को ऑफ करेंगे तो ये मोटर का घूमना बंद हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये एक्सल है, एक्सल के ऊपर हम एक पुली लगाते हैं, उसमें एक रबर बैंड डालते हैं, दो हम माउंटिंग डालते हैं और दोनों एक्सल के छोरों पर एक एक चक्का फिट कर देते हैं। तो ये हो गया चक्का पुली वाला। इसी तरह से दूसरा पैर भी चक्कों का हम असेंबल करते हैं, इसमें दो माउंटिंग है और दोनों तरफ एक एक पहिया है। उसके बाद में ये जो मोटर की जो चैसिस है इसके नीचे जो स्लिट्स हैं, जो खांचे हैं, उनमें हम चक्कों की माउंटिंग को बिल्कुल प्रेस फिट कर देते हैं। इसमें गोंद की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एकदम टाइट फिट हो जाती हैं। तो ये देखिए एक जोड़ी चक्का और ये दूसरा जोड़ी चक्का जिसके अंदर पुली लगी है और सब दोनों भी जो जोड़ियां हैं पहियों की वो बिल्कुल फ्रीली घूमना चाहिए। उसके बाद में मोटर की पुली और एक्सल की पुली को हम एक रबर बैंड से जोड़ देते हैं। अब आपकी मोटर गाड़ी एकदम तैयार है। आप स्विच ऑन करेंगे, उससे मोटर घूमेगा, मोटर पुली को घुमाएगा और रबर बैंड नीचे वाले एक्सल से जुड़ा है और वो एक्सल घूमेगी और आपकी गाड़ी तेजी से फर्राटे से आगे की ओर भागेगी। इस कार को असेंबल करने में और इससे खेलने में हर एक बच्चे को बहुत मजा आएगा।